भैया के तरफ से ये सुंदर माल्यार्पण और ये समाज में भी इंसाफा जो हमारी तकदीर है, आपने पहुंच करके 100 रुपयों का आशीर्वाद दिया। भाई के जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, अल्लाह बहुत धन्यवाद। दो मिनट बस बिरहा के तरफ लेकर के चलो, वक्त की मेरे पास भी कमी है और आज लोगों ने कहा कि आज बिरहा होना चाहिए तबीयत से, प्रयास करूंगा बिरहा भी तबीयत से गाऊंगा, लेकिन दो लाइन आपका आदेश था। तब 10 लाख सन 2022 को पूरे दुनिया की निगाह उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव पर थी, इसलिए कि 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आने वाला था। और मैं गारंटी दे रहा हूं आपके गांव के सड़क के किनारे याद करना, याद करो, आपके गांव के सड़क के किनारे दिसंबर 2021 में सुबह 5 बजे भोर में दौड़ने वाले नौजवानों की संख्या अगर 50 रही होगी तो जनवरी 2022 आते आते दौड़ने वाले नौजवानों की संख्या 100 हो गई होगी और फरवरी 2022 आते आते दौड़ने वाले नौजवानों की संख्या 200 हो गई होगी। जानते हैं क्या था, नौजवानों के मन में एक विश्वास था कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की सरकार बदलेगी और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि नौजवानों दौड़ के आगे निकल जाना, 10 मार्च के बाद जब हमारी सरकार होगी कल हमारे हाथ में होगी, दौड़ के आगे निकल जाना, केवल लिखित परीक्षा पास कर लेना और तुम्हारे शरीर पर जब समाजवादियों की सरकार होगी तो तुम्हारे शरीर पर जो दौड़ के निकलोगे, जो लिखित परीक्षा केवल पास करोगे, उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी देकर तुम्हारे सम्मान को बढ़ाने का काम किया जाएगा। ठीक है, अब पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे, सरकार नहीं बनी, रिजल्ट आया, जो भी आया हमने जनादेश स्वीकार किया, हमें अब बिरहा गाने के लिए बुलाए हैं। लेकिन साथियों 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर 15 दिन तक कोई नौजवान ट्रोल हुआ था सोशल मीडिया पे तो धर्मेंद्र सोलंकी, गालियां तक दी गई थी मुझे टेलीफोन करके, और 10 दिन बाद पूछा जाता था अब क्या गाओगे, रोजगार है थे सुल्तान बदलने वाला है, रोजगार है थे रफ्तार देख लेना, रोजगार है थे सरकार बन गई है। हमने कहा साहब फिर गाऊंगा और गाना चालू किया तब से लेकर आज तक। लोगों ने कहा क्या गाओगे, हमने कहा सुनो खौफ नहीं, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस फूल के साथ खड़ा हूं, चाहे दौर कोई भी आए मैं अखिलेश के साथ खड़ा हूं, और कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। एक लाइन सुनिया लो, चुनाव बाद पहला गाना बोल रहे हैं